मेरा नाम हाजरा बीबी है, मैं भावलपुर से आई हूँ। भावलपुर शहर है, उससे 15 किलोमीटर हमारा गांव है आगे, उससे मैं ताल्लुक रखती हूँ। वहाँ जो है ये हमारा बास्केट मेकर टोकरी का काम हम करते हैं। ये काम हमारा ख़ानदानी है, शुरू से ही हम बचपन से ये काम जो है कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये देखें कि हम कितने वो जो हैं परेशान हैं। मेरे मियाँ जो हैं वो कभी काम मिला कभी ना मिला, गांव की मेहनत मजदूरी है, एक बच्चे को शुगर भी है, तो यही मेहनत मजदूरी यही काम जो है हमारा ज़रिया है, इसी से ही हम रोज़ी रोटी खा रहे हैं, घर के अखराजात भी उठा रहे हैं। ये जो हम बनाते हैं टोकरी वगैरह, इसका जो मटेरियल है ये भी बहुत मुश्किल है। ये दरिया के किनारे होती है, ख़ास तीली होती है, जो हम उठ के जाते हैं नाश्ता भी नहीं करते चले जाते हैं। एक सवारी ली, उन्होंने कितने पैसे लिए हमसे, वो सारा दिन हमारे साथ रहता है। तो हम ये तीलियाँ काट के ले आते हैं घर में, फिर खुश करते हैं। वो ये काम इधर हो गया, लेकिन वो खजूर के जो पत्ते हैं वो ख़ास पत्ते होते हैं वाइट कलर के, वो हम ख़रीदते हैं गांव में। वो जो मर्द होते हैं खजी के ऊपर चढ़ते हैं, उसमें से सफ़ेद वाइट कलर का जो है पत्ता वो निकालते हैं। ये बड़ा कीमती होता है, ये गीला होता है, इसको फिर बाद में हम धूप में खुश करते हैं, खुश करके फिर इसको डाई करते हैं। और इधर जो है हम आए हैं, वो मार्ट में हमें बुलाया है, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, हमें समझाया। हमें ये इल्म नहीं था कि मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने कलर स्कीम कैसे करनी है, इसकी जो है बेहतरी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, कलर ये वो सारा कुछ, यानी कि वो हमें बताया समझाया। हमें अच्छा लगा, जो हमारे इल्म में इजाफा हुआ कि हम आगे भी इसमें बेहतरी लाएँ। ये देखें कि ये जो वर्कशॉप है ये बहुत अच्छी है, जिन औरतों को नहीं पता और हुकूमत को या वूमार्ट को जैसे ये NGOs हैं इनको चाहिए कि जैसे मैंने एक काम सीखा है, मेरे पास इतना मटेरियल नहीं, इतना बच्चियां जो हैं वो गांव वाली होती हैं, मेहनत मजदूरी करने वाली होती हैं, तो वो ये काम एकदम से नहीं सीख सकती। कोई सेंटर होना चाहिए, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो हमें ये मटेरियल का तामुन करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करें और चीज़ें बनाएं। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि जैसे मैं हर चीज़ बनाती हूँ, मैं भी सारी बच्चियों को सिखाऊं, वो भी बनाएं, वो भी रोज़ी रोटी कमाएं। हम बड़े खुश हैं और इनके शुक्रगुजार हैं कि ये आगे भी ऐसे इवेंट वगैरह करवाएँ और हमें बुलाएँ।